सत श्री अकाल, तुसीं लुधियाना टाइम्स देख रहे हो तो मैं अमन सिंह तुहाडा सारिआं दा स्वागत करदा हां। पंजाब दे काफ़ी लोग इच्छुक ने कैनेडा और अमरीका दे विच जाण दे लई। सो हुण उहनां दे लई एक खुशखबरी आई है, क्योंकि H-1B वीज़ा धारकां दे लई एक खुशखबरी है कि अमरीका दा गुआंढी देश कैनेडा हुण H-1B वीज़ा धारकां दे लई रस्ते खोलेगा, जिस दे नाल इन्हां वीज़ा धारकां नूं फायदा होएगा। उस दे नाल नाल इस स्कीम दा लाभ उन्हां दे परिवारक मैंबर भी जिहड़े ने ओह उठा सकणगे। तुहानूं दस दईए कि कैनेडा दे इमीग्रेशन शरणार्थी ते नागरिकता मंत्रालय ने ऐलान कीता है कि हुण H-1B वीज़ा धारकां लई कुछ खास जिहड़े खास स्कीमां उपलब्ध होणगीआं। भारतीय नौजवानां दा अमरीका कैनेडा वर्गे वड्डे देशां विच जाण दा रुझान है। हाल ही PM मोदी की राज यात्रा दौरान अमरीकी सरकार ने H-1B वीज़ा नियमों सौखा करन दी गल कीती सी। नाल ही ऐलान किया कि हुण H-1B वीज़ा सिर्फ अमरीका विच रेवन्यू किया जाएगा, लोगों इसलिए कितने बाहर जाने की लोड़ नहीं पेगी। हुण कैनेडा सरकार ने H-1B वीज़ा धारकों लिए भी वड्डा कदम चुकिया, जिस नाल वीज़ा धारकों के परिवारों भी फायदा मिलने की गल आखी जा रही है। कैनेडा दे इमीग्रेशन मंत्री ने ऐलान किया कि सरकार 10,000 अमरीकी H-1B वीज़ा धारकों नूं देश विच आउण ते काम करन दी इजाजत देण लई एक ओपन वर्क परमिट स्ट्रीम बनाएगी। एक आधिकारिक रिलीज़ विच कैनेडा दे इमीग्रेशन शरणार्थी अते नागरिकता मंत्रालय ने कहा कि साडा वीज़ा प्रोग्राम H-1B वीज़ा धारकों के परिवारक मैंबरां लई अध्ययन जां वर्क परमिट भी प्रदान करेगा। एक न्यूज़ चैनल के माध्यम के जरिए कैनेडा मंत्रालय ने दसिया कि भारत वर्गे देशों के हज़ारा कामे उच्च तकनीकी खेत्र विच कंपनियां द्वारा काम करते हैं, जिन्हां ने कैनेडा ते अमरीका दोवां विच वड्डे काम करने हैं। अमरीका विच काम करन वाले लोग अक्सर H-1B विशेष किते वीज़ा रखते हैं। नवे फैसले के तहत हुण सारे प्रवानित बिनेकारां नूं 3 साल तक की म्याद लई ओपन वर्क परमिट मिलेगा। H-1B रिलीज़ विच कहा गया कि 16 जुलाई 2023 तक अमरीका विच विशेष किता वीज़ा धारक ते उन्हां दे नाल रहण वाले परिवारक मैंबर कैनेडा विच आवास करन लई अर्जी देण दे योग होणगे। कैनेडा विच ओह किते भी लगभग किसी भी रुजगारदाता लई काम करन दे योग होणगे। उन्हां दे जीवन साथी अते आश्रित भी लोड़ अनुसार काम या स्टडी परमिट दे नाल अस्थाई रिहायशी वीज़े लई अर्जी देण योग होणगे। कैनेडियन मंत्री ने कहा कि इस साल के अंत तक साड़ी सरकार दुनिया के सब तो प्रतिभाशाली लोगों लई एक इमीग्रेशन स्ट्रीम विकसित करेगी, जो कैनेडा विच तकनीकी कंपनियां लई काम करन लई आउणगे, भावें उन्हां कोल नौकरी होवे या ना होवे। हालांकि मंत्री ने स्पष्ट नहीं किया कि अजिही स्कीम लई कौन योग होवेगा जां किन्ने लोगों लई दाखला दिता जाएगा। H-1B वीज़ा विदेशी नागरिकां नूं टैक्नोलॉजी समेत कुछ कित्यां विच स्थाई तौर पर अमरीका विच काम करन दी इजाजत दिंदा है। करोना महामारी तो पहला तकनीकी कंपनियां ने भारती भर्ती की, पर उदों तो वड्डी गिणती विच लोगों ने फायरिंग जिहड़ी है शुरू कर दित्ती सी। इस कारण कई H-1B वीज़ा धारकों नवी नौकरी लभण लई संघर्ष करना पै रहा है। सो हुण प्राप्त जानकारी दे मुताबक जिन्ने भी H-1B वीज़ा धारक होणगे उन्हां दे लई अमरीका ते कैनेडा दे विच रहना बहुत ही सुखाला होएगा, और इत्थे तक कि उन्हां दे जिहड़े परिवारक मैंबर ने ओह भी इस स्कीम दा जिहड़ा लाभ ने ओह उठा सकणगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लुधियाना टाइम्स।